It clause the Companies Act 2017, appointment and removal of directors mainly. So it starts with section 153 and then it continues on. The first section 153 states ineligibility of certain persons to be become director. Yani jo log director nahi ban sakte, jo ineligible hai, unki baat ho rahi hai. अच्छा इसमें थोड़ा सा फर्क है. एक तो ये है कि ineligibility, फिर बाद में आएगा कि जो बन गए हैं तो उनको किस बेसिस पे हटाया जाता है, वो बाद में जो हो जाते हैं चेंज. अच्छा ineligible कौन है? सबसे पहले माइनर, जाहिर है अगर किसी ने मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ा हो तो उसके अंदर भी ये पहला. तो ineligible वो पर्सन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर भी यही पहले आता है शिक. सो ineligible फर्स्ट पर्सन इज माइनर, अनसाउंड माइंड, has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. ki thodi si changes aayi hai ki application pending hai, to zahir hai insolvent jo banda declare kar chuka hai apne aap ko, is an undischarged insolvent jo ho chuka hai so insolvent, has been convicted by court of law for an offense involving moral turpitude, jo bhi moral burai ke aise wo charge ho chuka hai, has been debarred from holding such office under any provision of this act, या भी उसको मना कर दिया गया है कि वो इसको hold नहीं कर सकता, is lacking fiduciary behavior and a declaration to this effect has been made by the court under section 212 at any time during the preceding 5 years. 5 साल के अंदर भी कोई भी उसके behavior के ऊपर और जो उसकी fiduciary behavior basically जो आपकी duties है उसको पूरा करने के अंदर जो आपकी कमी पेशी उसी के ऊपर बात हो रही. Next, does not hold नेशनल टैक्स नंबर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये एडिशन है. प्रोवाइडेड डेटा कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट भी हो सकता है. सेक्शन 153 सब सेक्शन आई, अगर वो मेंबर नहीं है, प्रोवाइडेड डेट क्लॉज 1 शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, अ चीफ एग्जीक्यूटिव और अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स. नेक्स्ट, हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज अ स्पाउस ऑफ सच पर्सन और इज अ स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस. प्रोवाइडेड डेट जो सेक्शन सब सेक्शन जे और के है वो जब एप्लीकेबल होंगे, जब लिस्टेड कंपनीज की हम बात करेंगे. अब आ जाते हैं सेक्शन 154, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कितने होने चाहिए. सिंगल मेंबर कंपनी में जाहिर है एक ही डायरेक्टर होगा, एवरी अदर प्राइवेट कंपनी में नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स हो. अब पब्लिक कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी में नॉट लेस देन 3 और लिस्टेड कंपनी में 7 से कम डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. Provided that public interest company shall be required to have female representation on their board as may be specified by the commission, ये addition हुई है कि public interest companies के अंदर क्या करना होगा कि female representation भी होनी चाहिए boards में. Only a natural person shall be a director, ये इन्होंने और ज्यादा further clarify कर दिया है. 155 section के अंदर आए तो number of directorship, तो वो ये कहता है कि एक बंदा ऑफिस जो डायरेक्टर की पोजीशन में कर सकता है वो एक ही टाइम पे दूसरी कंपनीज के अंदर अल्टरनेट डायरेक्टर्स नहीं हो सकता उस पोजीशन पे. प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टरशिप्स इन अ लिस्टेड सब्सिडरी, अब वो सब्सिडरी में हो सकता है लेकिन किसी और कंपनीज में नहीं हो सकता. अ पर्सन होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट. जो लोग 7 से ज्यादा कंपनीज में है वो छोड़ दें, 1 साल का उनको टाइम दिया गया. Any casual vacancy on the board of a listed company shall be filled up by the directors at the earliest, but not later than 90 days from the date the vacancy occurred. Casual vacancy ये होती है कि कोई director था लेकिन वो उसका जो 3 साल का period है उससे पहले वो हटा दिया गया या कुछ भी ऐसा मसला हो गया कि वो खुद हट गया, तो उसको fill करने के लिए 90 days का time period दिया गया है.